हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज यमी फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस रेसिपी, मिसल पाव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मिसल पाव बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं। ये 150 ग्राम्स स्प्राउट्स है, ऑनियन है, टोमेटो है, ये लाल मिर्च पाउडर है और ये धनिया पाउडर है, गरम मसाला, हल्दी, करी पत्ता, धनिया पत्ता, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, जीरा और राई। ये सारे मसाले इस स्प्राउट्स की करी बनाने के लिए हमने लिए हैं। मिसल पाव थोड़ा, और ये ऑयल, मिसल पाव बहुत ही स्पाइसी और ऑयली होता है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आप जितना ऑयल डालें और जितना चिली डालें। तो चलिए हम अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा कुकर गर्म हो गया है, अब हम स्प्राउट्स की करी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मैं 4 टीस्पून ऑयल ली हूँ और ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं सारे खड़े मसाले डालूंगी। लाल मिर्च डालूंगी, उसमें मैं प्याज डाल दूंगी, प्याज को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और थोड़ी देर इसको फ्राई करूंगी। प्याज थोड़ा और भुनेंगे अभी हम प्याज को, और साथ में मैं अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। वन स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ मैं। थोड़ा सा मैं नमक भी डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून, जिससे प्याज अच्छे से गलता है। प्याज गलता है तो ग्रेवी अच्छी लगती है। अदरक लहसुन को अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी थोड़ा और दो मिनट और फ्राई करूँगी। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। और ये कश्मीरी लाल मिर्च को मैं पानी में थोड़ा मिक्स करके पानी में इसे मिक्स कर दूंगी, देख सकते हैं ऐसे, और उसको भी इसमें डाल दूंगी। सूखे मसाले डालने के बाद हमें थोड़ा पानी डाल देना चाहिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और अच्छे से भुनते हैं फिर, नहीं तो सारे मसाले जल जाते हैं। अब देख रहे हैं मसाला अच्छे से भुन रहा है और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब साथ में ही मैं अभी टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को अच्छे से इसमें मिक्स करके टमाटर के गलने तक मैं इसको भी फ्राई करूँगी। मैं इसको कवर कर करके भी, अगर अभी इसे कवर कर दोगे तो जल्दी टमाटर आपका गल जाएगा, तो इसे मैं अभी कवर करके 2-3 मिनट पकाऊंगी। 5 मिनट बाद हम इसको फिर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं साइड साइड से ऑयल निकल रहा है, दिख रहा है आपको? देख, तो अब इसमें हम हमारे स्प्राउट्स डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। हम अब इसमें पानी डाल देंगे, देख सकते हैं ये हो गया। अब हम इसमें पानी देंगे और उसके बाद 3 सीटी लगा के फिर हम इसको चेक करेंगे।
इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसकी ग्रेवी पतली होती है। मैं भी 1.5 ग्लास डाली हूँ, पहले चेक कर लूँगी कम लगेगा फिर हम डालेंगे। हाँ इसमें भी और पड़ेगा, 1 ग्लास मैं और ऐड कर दी हूँ। इसकी ग्रेवी पतली होती है, वैसे आपकी आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा रखना चाहते हैं। हाँ अभी ये सही है, अब हम इसे 3 सीटी लगने तक पकाएंगे। पकने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पहले 3 सीटी लगने। एक सीटी हमारी लग गई है, एक सीटी हम और लगाएंगे। दो सीटी हमारी लग गई, अब हम इसको बंद करके चेक करेंगे। जब तक हमारी कुकर का प्रेशर निकलता है तब तक हम पाव को सेक के तैयार कर लेते हैं। अब बहुत लोग कच्चा पाव भी खाते हैं, पर मैं थोड़ा घी डाल के इसको सेक दूंगी। पाव हमारा सिक गया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारा करी रेडी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर ऑयल चाहिए तो आप एक पैन तड़का पैन लेके उसमें अलग से इसमें तड़का लगा सकते हैं कश्मीरी मिर्च डाल के। मुझे इसमें तड़का नहीं लगाना है, ये इनफ है, मुझे दिख रहा है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी और आपको टेस्ट करके बताऊँगी कैसा है। चलिए सबसे पहले मैं इसमें ग्रेवी डालूंगी। इसके ऊपर ऑनियन भी डाल दूंगी और थोड़ा सा साइड में भी डाल दूंगी। सॉरी मैं धनिया की पत्ती डालना भूल गई उसमें, इसके ऊपर ही डाल देती हूँ और कुकर में भी डाल देती हूँ। ये रहा हमारा फरसान, जो इसके लिए एक फेमस होता है। मिसल पाव में हम फरसान डाल के खाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय डेस्क, कैसा है मिसल पाव? अच्छा है। अच्छा है, खा के बताओ। खा के बताओ टेस्ट करके कैसा है। हाँ आप इसको इस पे डाल दो। हाँ खाओ, इसको डाल दो। यस।